चुनाव की खास कवरेज में आपका स्वागत है और हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से मिनी चप्पल कहे जाने वाले चित्रकूट के उस इलाके की कहानी यानी कि पाठा के वीरान इलाके की कहानी जहां पे डकैतों का फरमान गूंजता था और जनता वही वोट डालती थी जहां पे दादू ददुआ चाहते थे, ये कौन थे, किसने इनके इस साम्राज्य को रोकने का प्रयास किया, कौन था वो जिसने इस तस्वीर को बदला कि अब फरमान से वोट नहीं पड़ेगा, वोट वही पाएगा जो चुनाव लड़ेगा, जो जनता की समस्याएं देखेगा। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो चित्रकूट आराम से बैठो, मुंह इधर कर बैठो थोड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय जनप्रतिनिधि के तौर पर काबिज रहे लेकिन आज भी उनको चित्रकूट के लोग प्रमुख के नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं नवल किशोर मिश्र जी जो कि 90 के दशक से जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की और ब्लॉक प्रमुख आप 1995 में बने। आपका सियासी सफर कैसा रहा? मैं जिस धरती पर हम बैठे हैं आज प्रयाग की धरती से ही मैंने सीखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक करने के बाद जब मैं सियासत का मैंने देखा माहौल तो चारों तरफ मेरे यहाँ सीताराम डकैत का भाई निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना था, गांव का प्रधान भी डकैत का बाप था, मतलब चारों तरफ केवल माहौल ऐसा था कि लगता ही नहीं था कि कहीं लोकतंत्र है। और यह स्थिति 2008 तक बनी रही, तमाम 2008 में ठोकिया की चाची करबी नगर की निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी, किसी ने पर्चा नहीं दाखिल किया। तो ये वो दौर था राजनीति का 1995 से लेके और 2008 तक। उसमें मैंने यह प्रयास किया कि लोकतंत्र की स्थापना हो, तो मैं चूंकि एक छोटा सा मऊ ब्लॉक का मैं एक मेरा किरदार जो है वो मऊ ब्लॉक तक सीमित रहा, तो मैं मऊ का ब्लॉक प्रमुख बना 1995 में। 2000 में जो है मेरी पत्नी जो है जिला पंचायत की सदस्य बनी, हम लोगों ने अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया 2001 में उजेरिया देवी को। और स्थिति यहाँ तक आई कि मऊ क्षेत्र में मऊ ब्लॉक में मऊ और रामनगर दोनों ब्लॉक में यूं कह लीजिए कि राजनीति में लोकतंत्र की स्थापना करने का मैंने पूरा प्रयास किया और जन समर्थन, समाज का समर्थन, जन समर्थन दोनों हमको प्राप्त था। लोगों ने हमारी मदद किया, जनता ने स्वीकार भी किया और दौर राजनीति का बदलता रहता है। आज उस दौर के बाद मैं 2012 में मेरी पत्नी विधानसभा की उम्मीदवार बनी मऊ मानिकपुर की, तो चूंकि मेरा ये विधानसभा का पहला चुनाव था तो उस चुनाव में इनको 31,000 वोट मिले, 10,000 वोट से हम चुनाव हार गए। हमने 2012 से लेकर 2017 तक मेहनत किया परंतु नेतृत्व ने हमारा टिकट काट के किसी विपक्ष के जिनके कारण हम राजनीति में तमाम संघर्षों को हमने जिया, वही टिकट लेकर आ गए हमारे दल का। तो हमने कहा कि ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय है, तब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो यूट्यूब में पड़ा भी है। भाई जी हमने चूंकि भाई हमारा तो एक सीमित दायरा था, जो लोग हमारे दल में टिकट देते हैं वो इस दल को बनाए, इस दल को खड़ा किए, इस दल को में उनकी सेवाएं हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने उनके निर्णय पर हमने कोई प्रश्न नहीं किया, हमने निर्णय को स्वीकार किया और अपनी हम उस दौर में शामिल हैं परंतु उनके हर बात पर हम शामिल नहीं हो पाए, तो हमने अपना रास्ता बदल दिया। देखिए हम आज 2021 में हम आज 2018 से ही हम माघ मेला आने लगे, ये हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारी चौथी पीढ़ी, अभी हमारे पिताजी कल्पवास कर रहे हैं 30 वर्ष से,
हमारे बाबा करते थे, हमारे पिताजी कर रहे हैं और हम लोग चौथी पीढ़ी में कर रहे हैं। उम्मीद है कि सनातन संस्कृति को अपनाते हुए हमारी पांचवी पीढ़ी भी जो है वो इसमें रहेगी, इस संस्कृति का पालन करेगी और यही यही हम लोगों की कामना भी है। आपने कहा कि क्षेत्रीय स्तर तक आपकी राजनीति सीमित रही। जी जी, लेकिन जिले के आधे से ज्यादा राजनेता सिर्फ किस बात से क्यों डरते हैं कि नॉर्थ मिश्रा ही चुनाव लड़ लेंगे या नॉर्थ मिश्रा को ऐसे रोका जाए, या जैसे आपने कहा कि दल तक ठीक था। भाई मैं 2012 में चुनाव में 10,000 वोट से हारा, तो उसका मेन कारण यही था कि जितने सियासी दिग्गज थे चित्रकूट जनपद के, वो यह जानते थे कि यह एक ऐसा स्तंभ है न जिसे झुकाया जा सकता है न जिसे खरीदा जा सकता है। तो इसलिए जैसे अभिमन्यु का वध हुआ महाभारत में, 6 फाटक तोड़ने के बाद 7वें फाटक पर जो है उसको गिराया गया, हाँ, तो उसी तरह चक्रव्यूह में हमारा वध हुआ। भाई 31,000 वोट से हम तब हारे जब हमारा मामा अपना दल से टिकट लेके आ गया, वोट 2,500 पाया। जिले के एक दिग्गज ब्राह्मण नेता थे जो पहाड़ी ब्लॉक के रहने वाले थे, हीरालाल पांडे जी, तो वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे मैं उमानिकपुर से। और एक उद्योगपति, समाजवादी पार्टी की लहर बह रही थी 2012 में, उस लहर के विपरीत भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब अंडर 30,000 के नीचे वोट पाकर सिमट गए थे अपनी अपनी विधानसभा में। तो ऐसे माहौल में हमको 31,000 वोट मिला, जन समर्थन हमारे साथ था। अगर यह चक्रव्यूह ना रचा जाता तो हम विधानसभा में होते, परंतु माँ गंगा की कृपा से हम उसमें भी संतुष्ट थे, इसमें इस रोल में भी संतुष्ट हैं। हम दोनों लोग 3 वर्ष से कल्पवास कर रहे हैं गंगा माँ के किनारे। शुरू से आप संघर्ष कर रहे हैं और जो युवा तबका है वो आज भी ये चाहता है कि कोई क्षेत्रीय व्यक्ति सामने आए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजनीति का स्तर इस कदर गिरे कि हर समय मऊ मानिकपुर की जनता को सिर्फ ये देखना हो कि लोकल व्यक्ति कब आएगा, स्थानीय व्यक्ति कब आएगा, इस प्रश्न को कैसे चुभता है आपको? देखिए, ये प्रश्न तो है, ये प्रश्न मेरे दिल दिमाग में पहले भी था, आज भी है और अभी भी है। परंतु देखिए, एक दौर होता है, जो दौर बदलता रहता है, तो जैसे राजनीति का एक दौर था, आपने देखा चित्रकूट में एक डकैतों का दौर था, अब इसके बाद दौर आया पार्टियों का, तो बहुजन समाज पार्टी का दौर आपने देखा, अब भाजपा का दौर चल रहा है। इस दौर में कुछ चीज़ें बनती बिगड़ती हैं, जो प्राथमिकता जिसकी होती है उसमें अपने हिसाब से वो जो एक जिसके हाथ में पावर होता है उस दौर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, यही हो रहा है। इस दौर ने बर्गर ग्लास फैक्ट्री को भी देखा, इस दौर ने सूखे को भी देखा, हाँ, और इस दौर में ये भी देखा जा रहा है कि आज भी रोजगार की समस्या है मऊ मानिकपुर में। देखिए, समस्याएं हैं और पहले से हम लोग अब इस सरकार ने बेहतर प्रयास किया है, पहले से बेहतर यह प्रयास किया है कि एक देखिए हमारे यहाँ मुख्य समस्या थी भय की, तो भय 90% भय समाप्त हो चुका है। आप स्वयं उस विधानसभा के रहने वाले हो, आप जानते हो कि भय जो है 90% भय समाप्त हो चुका है। अब 90% मानिकपुर विधानसभा में भयमुक्त होकर के ये सबसे बड़ा प्रमाण है, मैं बिना भय के मैं यहाँ गंगा माँ की गोद में पड़ा हुआ हूँ, तो भय 90% समाप्त है। आज इसी शहर में तमाम ऐसे लोग थे जिनके भय से ये शहर कांपता था, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये दौर है, राजनीति का हो या प्रकृति का हो, हर चीज को स्वयं नियंत्रित करती है। तो प्रकृति नियंत्रित कर रही है, हमारा रोल जो होना चाहिए वो रोल प्रभावी रहे तो जरूर रखना चाहिए। इस दौर में भी जो आपने समस्याएं उठाई, हम उन समस्याओं की ओर, जैसे एक समस्या पर आपने ध्यान आकर्षण किया, हाँ, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि योगी जी ने एक हफ्ते के अंदर बहुत तेज गति से पुल का निर्माण हो रहा है और 117 करोड़ रुपए उन्होंने जारी कर दिए, एकमुश्त जारी कर दिया, और उनको समय सीमा बता दिया कि आपको इतने दिन के अंदर पुल बना कर देना है।
तो देखिए ऐसा है, संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष में मेरा अपना यही कहना है कि वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा से मुझे याद आ रहा है कि मंदाकिनी को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय मैं बेबाक टिप्पणी कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम काम चित्रकूट के रहने वाले हैं, मंदाकिनी की सफाई 3 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि मंदाकिनी को अनसुईया आश्रम से लेकर के और चित्रकूट करबी तक उसकी मंदाकिनी को स्वच्छ करना दोनों सरकारों की प्राथमिकता हो। और आप लोग, मैं मीडिया से भी ये अनुरोध करूंगा कि इसको इस ऐसे मोड़ पर ले आइए जिसमें जन समर्थन के साथ साथ दोनों सरकारें मिल करके और मंदाकिनी को उस स्थान से लेकर यहाँ तक स्वच्छ बनावें। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विषय है कि भाई हम राम घाट के नाम से जो मशहूर है वहाँ पर ही गंदा नाला गिर रहा है मौके पर, और उसका पानी वहाँ गिर रहा है जहाँ सब लोग नहा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, देखिए आज जहाँ आप बैठे हो, चूँकि हम चौथी पीढ़ी में कल्पवास कर रहे हैं, मतलब जब मैं, मेरा नाती मेरे साथ कल बात कर रहा है, तो जब मैं इसके इतना था तो मैं अपने बाबा के साथ कल आया करता था, तो तब भी यहाँ घोर गंदगी का, जो लोग मेरे से पहले 10 साल 15 साल पहले यहाँ कल बात में आते रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ों का बहुत अभाव था, संपर्क मार्ग और स्वच्छता, मतलब यहाँ घाट से लेकर के और गंदगी का अंबार रहता था, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लोग खुले में शौच जाते थे, औरतें और मर्द एक एक तरफ बैठ जाते थे, बड़ी बेढब स्थिति थी। परंतु मैं आपके माध्यम से इस सरकार को इस मामले के लिए धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं कि बहुत बेहतर सुरक्षा, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, जो जो सुविधाएं मैं कल्पवासियों को चाहिए वो सारी सुविधाएं पहले से कम दो गुना बेहतर है। चित्रकूट की जनता एक चीज और जानना चाहती है, बताइए महू मानिकपुर की जी, कि इस पंचायत चुनाव में नौकिशोर मिश्रा का क्या मास्टर प्लान होगा चुनाव को लेकर? देखिए मैं एक चीज चाहता हूँ, अगर मेरे हृदय में, गंगा जी के किनारे बैठा हूँ, देखिये मैं तो सब पा चुका, हाँ भाई मैं विधानसभा नहीं पहुंच पाया, नीचे के सब चुनाव में जीत चुका, लड़ चुका, पा चुका। देखिए एक टीस मन में है क्या भाई, अब यह बात चूंकि ऐसी है जो मैंने पेपर में एक बार निकाली थी, कबीरदास जी ने एक लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। देखिए हमारे, मतलब मऊ मानिकपुर का हो या पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। हमने जब सरकार में हम आए तो हमने ये कहा था कि हम 0% टॉलरेंस पर सरकार चलाएंगे, अब चूंकि हम सरकार में हैं और हम अपने उस वादे पर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ यथार्थ में धरातल। परंतु इसके साथ ये भी जोड़कर आपको कह रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे दोनों मुखिया ईमानदार हैं, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चूंकि ये पूरा जो सिस्टम है, हाँ, सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो जैसे पैसा केंद्र से आया प्रदेश में, प्रदेश से आया जिले में, जिले से आया गांव सभा में, अब बेईमानी गांव सभा से शुरू है तो मोदी जी गांव सभा में क्या करेंगे बताइए? अब ठीक है, प्रधान आप चुनते हो, मोदी जी थोड़ी बनाते हैं, योग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी बनाता है प्रधान। तुम पंचायत चुनाव में, मेरा सिर्फ एक कहना है कि मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप इसको लिखिए, 5 पंचवर्षीय के लिए यदि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों पंचायतें अपनी ईमानदारी से काम कर दें, तो समस्या लिख लीजिए, पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, उस गांव सभा की समस्या आप लिख लीजिए, 5 वर्ष में उसको जितना धन मिलना है
उस धन को आप उसमें लगा करके देखिएगा कि अगर समस्याएं 10% बचे तो बताइएगा, 90% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब ये इतना बड़ा विषय है कि पूरे क्षेत्र जितने भी विधानसभा के प्रधान हैं वो लेकर के इस बात को लेकर वो हो जाएंगे कि इसका मतलब हम लोग, मतलब इसका बहुत व्यापक अर्थ है। इसलिए मैंने अपने ऊपर ही ले लिया सब कि बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा न कोए। हकीकत यह है कि हम पंचायतों से ही देखिए, हम अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। पंचायत सबसे अंतिम इकाई है, अगर अंतिम इकाई में ईमानदारी से होगा काम हम शुरू करेंगे जो हमारे बस का है। हमारी बात समझने का प्रयास करिए कि जो हमारे रेंज में है अगर हम उसको शुद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर जो यहाँ से जो जाएंगे वो हमारे द्वारा ही जाना है, उनको तो उनको बदलना पड़ेगा। आप जिसे चाहेंगे उसे झुकेंगे, नहीं आऊंगा। देखिए हम दो लोग तो नहीं आ रहे, नई पीढ़ी में देखिए एक उदाहरण के तौर पर जनता हाँ। एक तरफ और देख रही है जी, एक कदम आगे जी, बताइए आपके सुपुत्र अजय मिश्रा को हाँ, देख रहे हैं हाँ, कोरोना से लेके अब तक बहुत बड़ी मेहनत हाँ, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना देख रहे हैं भविष्य। मैं ये देखे भविष्य तो मैं कपल में परलय होता है। देखो सच्चाई तो ये है, कल क्या होगा ये मैं नहीं, उस जिसने हमें यहाँ भेजा वही भर जानता है, कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा। परंतु मनुष्य प्रयास करता है, मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। तो मेरा लड़का काम पे अगर वो मेहनत कर रहा है तो अपनी मेहनत के हिसाब से, मेरे वजह से नहीं, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़े और अपने पूर्वजों के नाम के हिसाब से काम करें। भाई जैसे हमने, हमारी जो पूंजी है वो ये है कि हमारे ऊपर ये दाग कोई नहीं लगा सकता कि प्रमुख जी ने हमसे 1 रुपया लिया और तब हमारा काम किया। भाई हमने राजनीति को, हम चूंकि आप जानते हो हम राजनीति में अटल जी के हम समर्थक हैं। और अटल जी के खालीपन होने के बाद अब कैसा भाजपा दिख रही है आपको, कौन पूरा कर रहा है उसको? देखिए अटल जी के सपनों को तो सरकार पूरा कर रही है, परंतु सभी नहीं पूरे हो सकते, ये सबके बस का काम ही नहीं है। सभी कभी मनुष्य समग्र नहीं हो पाता। आप छोटा स्तर पर भी देख लो तो हर सपना कैसे नहीं पूरा हो पाता ना। जैसे आपने 10 सपने सोचे तो 5 पूरे हो रहे हैं। जैसे राम मंदिर का निर्माण का सपना था, मंदिर निर्माण हो रहा है। धारा 370 हमारा सपना था, धारा 370 को बदल करके दिखाया गया और लागू किया गया। नहीं, लोग कहते थे कि अगर ये लागू होगा तो रक्त की नदियां बह जाएंगी, तो कहीं पसीना भी नहीं बहा। आपके सामने है धारा 370 लागू हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ और तमाम ऐसे कार्य किए गए। जैसे हमारी सरकार ने गोरक्षा की ओर कई कदम उठाए हैं, पर अब बेईमानी हम अपने यहाँ कर रहे हैं तो अब योगी जी क्या करेंगे? गऊ हम छोड़ रहे हैं, योगी जी पैसा दे रहे हैं, हम भूसा ना खिला करके हम अपनी जेबों में पैसा रखे रहे, तो अब उसके लिए योगी जी क्या करेंगे? भाई जैसे गांव का प्रधान जो है वो जानवर नहीं बांध रहा है, पैसा और सेक्रेटरी और प्रधान मिल के बांट लेंगे तो उसमें क्या करेंगे बताइए? कुछ मुद्दों की बात अगर बताइए हर मुद्दे पर बात करूंगा। बरगढ़ में इतने बड़े इलाके में जी कोई अस्पताल नहीं है। देखिए जब मैं 95 में ब्लॉक प्रमुख था तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ था। हाँ, आपके यहाँ मानिकपुर में 30 सही अस्पताल बन चुका था, क्योंकि वहाँ से एक बार एमपी, दो बार एमपी बने थे लोग, तीन बार एमपी और विधायक दे चुका मानिकपुर ब्लॉक। मऊ ब्लॉक में नील था और अभी भी नील है। आप समझ रहे हैं बात को मेरी, मैं कुछ चीज़ें नहीं कहना चाहता। तो भाई बरगढ़ में अस्पताल होना चाहिए, परंतु एक यथार्थ भी जान लीजिए आप, उसके कारण मैं ये नहीं चाहता कि अस्पताल आप कहीं खोल दो। आप स्कूल खोलते चले जा रहे हो, विश्व बैंक से कर्जा लेकर के आपने प्राइमरी के स्कूल बना दिए, अब उसमें एक शिक्षा मित्र 300 बच्चों को पढ़ा रहा है, आपके पास अध्यापक नहीं है, तो बिल्डिंग 5 बना दिया, अध्यापक 3 हैं, तो 2 बिल्डिंग ऐसे खड़ी है। उसी तरह 30 सही अस्पताल, 30 बेड मानक के हिसाब से जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने पूरे जिला अस्पताल में भी नहीं है, मेरे यहाँ भी नहीं है, आपके यहाँ मानिकपुर में भी नहीं है। मतलब इसलिए मैं अस्पताल खोलने के पक्ष में नहीं हूँ, जो है हमारे पास उसको बेहतर। जैसे आप नहर बना दिया आपने सिंचाई के लिए, अब नहर में धूल उड़ रही है, पानी उसमें नहीं जा रहा है, तो नई नहर बना करके क्या पाओगे? भाई जो हमारे पास है उस संसाधन को उस मुकाम तक आप पहुंचाने का प्रयास करिए कि जिससे उस पे जो है हम चार, मतलब जो बेनिफिट है वो मिल सके लोगों को।
भाई भाई जनता ने अपनी जमीन दी, हाँ नहर बनी, पानी नदारत है, स्कूल के लिए जमीन गई, सरकार ने कर्जा लिया विश्व बैंक से, स्कूल बनवा दिया, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग गिरने की ओर है, अध्यापकों नहीं है। तो मूल चीज को प्राप्त करने के लिए हम पहले जो हमारे पास आए, मतलब उससे जैसे जिसको कहते हैं इनपुट और आउटपुट, भाई हमने जो इनपुट लगाया है उसका आउटपुट जनता को मिल जाए, लोगों को मिल जाए, तो इसके बाद जो है निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 के दशक में एक लड़का आता है जी, जो ग्रेजुएशन करके आता है विश्वविद्यालय से जी, शिक्षक का बेटा जी, एक आम शिक्षक का बेटा, हाँ, और जिसके पिता चाहते थे कि वो कुछ भी करे लेकिन राजनीति ना करे, हाँ हाँ नौकरी। इसके बाद आप उस दौर की राजनीति करते हैं जिस दौर में सिद्धांत से अलग सिर्फ झूठ फरेब और दबंगई तमाम चीजें, हाँ थी हमारे से पहले। चाहता हूँ कि आज का पंचायत चुनाव और उस समय का चुनाव क्या डिफरेंस था, ये थोड़ा सा जनता जानना चाहती है। जनता ये जानना, देखिए पहले एक जैसे पहले मुद्दे हुआ करते थे, मुद्दा था कि गैंग ने फरमान किया है कि इनको प्रधान बनाना है, तो ये एक मुद्दा नहीं, उन्होंने बनाने का प्रयास किया और हमने कहा नहीं ये नहीं बनेगा, लोकतंत्र जो है इसमें जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा, तो हम ये मुद्दा हो गया, तो जन समर्थन उनके साथ रहा मुद्दों के साथ, तो हमारे ब्लॉक में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा, एक नहीं कई कई बार, मतलब वो पराजित मनोबल बढ़ा। भाई एक कहा, एक उसमें भी है, अन्याय सहकर चुप रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, अन्याय सहकर चुप रहना महादुष्कर्म है। अन्याय वही होता है जहां अन्याय सहने वाले लोग रहते हैं, अगर अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होंगे तो हमारे यहाँ केवल इतना हुआ है कि मैं अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ, मेरे साथ लोगों का सहयोग बना रहा और लोग सहयोग करते रहे। किसान आंदोलन चल रहा है कई महीने हो गए जी, आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति के आप बहुत बड़े प्रशासक थे जी, अगर वो होते तो क्या किसानों से मिलने जाते, या मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनकी डिक्टेटरशिप ज्यादा है, ये मिलने नहीं जा रहे, संवाद नहीं कर रहे, इस प्रश्न में इस दौर को कैसे देखते हैं आप, किसान आंदोलन में अगर अटल जी होते तो क्या होता। देखिए दोनों लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया है, अपने दौर में अटल जी श्रेष्ठ थे और इस दौर में ये बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ अब जहाँ कंपैरिजन की बात होती है तो हम लोगों के यहाँ देखिए दोनों तरह से आप भी देखते हैं कि मोदी जी जब कोई बड़ा सार्वजनिक फंक्शन होता है तो आडवाणी जी का पांव छूते हैं, हाँ छूते कि नहीं छूते, देखा होगा आपने, पूरे देश ने देखा होगा। तो उसी तरह भाई वो अटल जी अगर होते तो अटल जी का भी पांव छूते, क्या कहते हैं मोदी जी, क्योंकि वो उन्होंने तो इस दल की स्थापना ही किया है। और रही बात किसानों के आंदोलन की, तो देखिए ये बहुत बड़ा विषय है और मैं एक बहुत छोटा जो है मेरा रोल जो है एक, मतलब जैसे समुद्र में बूंद का कोई रोल नहीं होता, उसी तरह है इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिए कोई रोल नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो अम्मा मैं चूंकि पूरी तरह से मैं इस पर बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, मैंने इसको पूरी तरह से समझा भी नहीं, इतना देर रोज पढ़ता हूँ देखता हूँ कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और लॉन्ग रेंज से कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज से कर रहे हैं और सबके बयान और प्रतिक्रिया भी पढ़ता हूँ, हाँ तो कुछ ना कुछ तो अब है इसमें ऐसा जिसके कारण मामला हल नहीं हो रहा है। अब ये सियासी पेच है और ये दिल्ली का मामला है। जिस शख्स से अभी हम आपकी बातचीत आप देख रहे थे, नवल किशोर मिश्र, इनसे जुड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलता रहा, यानी इनकी धर्मपत्नी पुष्पा मिश्रा। 2012 में विधानसभा चुनाव होता है, भाजपा की तरफ से विधायक प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में उतरती हैं मैदान में, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा चुनाव, एक ऐसी छाप जो आज तक लोगों का कहना है कि अगर एक बार विधायक बन गई होती तो दिन अलग होते इस विधानसभा के। मेरे साथ साथ में बैठी हुई है इंटरव्यू में, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि बतौर पत्नी
एक बहुत बड़ा एक कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। पुरुष सफल हैं, उनकी राजनीति सफल है, इस कलेवर जो इनका ढंग है राजनीति का, इसको लेके आप क्या सोचती हैं? और आपका राजनीति में अगर आप बनती, क्योंकि जनता तो कह रही है कि अगर बन जाती तो कुछ अलग होता, तो क्या करती है? जो है अपने पति की परछाई होती है, जैसे राम जी के साथ सीता जी परछाई बन के चली हैं। भारतीय नारी का यही धर्म है, मैं उनके पग चिन्हों पर जहाँ वो चलाएंगे वहीं चलूंगी। अगर आप चुनी जाती हैं तो क्या करती है? ये जानना बड़ा जरूरी है। नहीं तो हम, अगर हम चुने जाते तो क्षेत्र का विकास करते, जनता के लिए जो करना चाहिए वो करते, जो चीज़ पिछड़ा है जैसे सिंचाई है, बिजली विभाग वाला है, और ये क्या कहते हैं अस्पताल है, इसको सब करवाते, औरतें निर्भय होकर निकलती, गुंडागर्दी नहीं चलता। गुंडागर्दी नहीं चलता, हाँ ये बात आप कह रहे हैं। हम ही तुम ही जो है भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ ठीक है, एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे कि महिलाओं का चुनाव में आना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं क्या नहीं बन सकती हैं? अपने को कमजोर कभी न समझना चाहिए, भले ही कम पढ़े लिखे हों, हम अपने को कमजोर नहीं समझते हैं। कोई एक ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि अब क्या होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव वाली जिंदगी रही है प्रमुख जी की, तो आपको उस समय क्या लगा, कैसे आप मजबूर? कुछ नहीं, हम भगवान पर छोड़ दिए, जो ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं वही छोड़ के पूजा पाठ करते हैं। अब मेरा नेतागिरी में भी मन नहीं लगता, मेरा आ जाए लड़े बस, मेरा आशीर्वाद है तो ये था पंचायत चुनाव का सबसे अनोखा और अलग इंटरव्यू, और बुंदेलखंड की उस जोड़ी के साथ जो आज भी उतनी ही जीवंत है, उतनी ही हसमुख है, और आपसी जो रिश्ते हैं उतने ही सुलझे हुए हैं जितना कि आप राजनीति में देखते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि जब पुरुष और महिला दोनों आपसी समन्वय के साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और इसके बाद राजनीति के मंच पर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव में इस बार सबसे जो बड़ा बिंदु है वो देखने वाला राजनीति में क्या होगा चित्रकूट की, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है, क्योंकि अब तो डकैत 90% नहीं रह गए, विकास के बहुत से काम ऐसे हैं जो होने शेष हैं, युवा नेतृत्व एक बार फिर तेजी से आ रहा है 90 के दशक के बाद, तो अब देखना होगा कि चित्रकूट का सियासी घटनाक्रम किस कदर बैठता है और क्या कुछ नया निकल कर आता है। मिलेंगे फिर एक ऐसी ही दमदार सुलझी हुई स्टोरी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।